नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद शहर के कांग्रेसजनों में उत्साह, आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाइयां। जयसिंह ने कहा, भाजपा के रावण रूपी अहंकार की हुई हार, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। कलेक्टोरेट के च्वाइस सेंटर में अव्यवस्था का आलम, आवेदनकर्ताओं से वसूले जा रहे आधार कार्ड के लिए 10 की जगह 100 रुपए। और विकास यात्रा के दौरान कोरिया के चिरमिरी पहुंचे सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजीमो ने निकाली बाइक रैली तो जगह जगह की गई फूलों की बारिश। कर्नाटक चुनाव में नतीजों के बाद सरकार बनने और गिरने का ढाई दिनों का ड्रामा थम गया। सीएम बीएस येदियुरप्पा सदन पर अपना बहुमत साबित करने में नाकाम रहे, लिहाजा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस और जेडीएस मिलकर वहां सरकार बनाएंगे, ये भी तय हो गया। सदन में शक्ति परीक्षण के बाद आए फैसले ने मानो कांग्रेस में नई जान फूंक दी। शहर में भी इसके साथ कांग्रेसजनों में जमकर उत्साह नजर आया। कांग्रेस कार्यालय में जमा हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। इस मौके पर शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस दौरान भाजपा नेतृत्व पर जोरदार हमला बोला। श्री सिंह ने इस जीत को जहां एक ओर कर्नाटक की जनता की जीत बताया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा को अहंकारी बताते हुए उनकी तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। राज्यपाल के द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को अनैतिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि विजय का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के लोगों ने जो हमारे कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया और असफल हुए, मैं समझता हूँ कि ये जोरदार उनको जवाब मिला है। और हम कांग्रेस परिवार की ओर से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो आज कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि आज के घटनाक्रम से ये देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जो है कुंठित प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है उसके द्वारा एक बी टीम बनाकर जो है प्रयास किया जा रहा था। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। और कांग्रेस के तमाम निष्ठावान लोग जो है पूरे जो है ताकत के साथ जो है लगेंगे और देखना आप जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल वजूभाई वाला ने अनैतिक निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के निमंत्रण को स्वीकार किया, उन्हें न्योता दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। और ढाई दिन के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, कर्नाटक की जनता ने, न्यायपालिका ने, वहां चुने हुए विधायकों ने उनकी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया। और अंततः जो ढाई दिन के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी थे उनको सदन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की, घमंड की, और जिस प्रकार की वो बातें रावण की तरह अहंकार की बातें करते हैं, उसकी जो अहंकार था वो टूट चुका है। और ये कर्नाटक से उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है।
करतला में हुए सीएम डॉक्टर रमन सिंह के विकास यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जिन मांगों पर प्रशासन ने कभी विचार नहीं किया, शायद शासन के मुखिया से उन्हें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उनके उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब उन्हें सभा खत्म होने के बाद फिर से डग्गे और ऑटो में सामान की तरह लाद कर वापस उनके गाँव भेज दिया गया। भीड़ का टारगेट पूरा हो चुका था। जनता को भीड़ का स्वरूप देने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर कल थी, उनके मुंह से अब एक बोल नहीं फूट रहे हैं। आक्रोशित नजर आ रही महिलाओं से जब INN24 ने विकास यात्रा से जुड़े उनके अनुभव पर चर्चा करनी चाही थी, तो गुस्से का आलम यह था कि वह कैमरे के सामने ही हुक्मरानों पर बिफर पड़ी। उनका आरोप था कि समस्याओं की फेहरिस्त लंबी थी, लेकिन पूरी फेहरिस्त धरी की धरी रह गई। उनके किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। महिलाएं अपने गांव में पुल की मांग के अलावा निराश्रित पेंशन और उज्ज्वला योजना के तहत बांटे जा रहे गैस कनेक्शन जैसे विषयों को लेकर आई थीं। भूख प्यास से भटकती महिलाओं ने बताया कि सरपंच ने उन्हें झूठा आश्वासन दिया था। समस्याओं की सूची तैयार कराई गई थी, लेकिन एक भी समस्या का समाधान तो दूर, वे सभा में आकर पछता रही हैं। ना ही मौके पर पीने के पानी का इंतजाम है, ना ही खाने के लिए भोजन की व्यवस्था। ऊपर से धूप की तेज तपिश में वे खुले गाड़ियों में लंबा सफर कर यहां पहुंची हैं। क्या समस्या लेके आए थे? नदी के पुल नहीं है, नदी के पुल नहीं बने, फिर हाल नदी के स्कूल में बाउंड्री नहीं खिलाए है, ना गैस नहीं मिले है, कुछ नहीं था, पेंशन और ससुर पेंशन नहीं मिले है। का बोल के लारिस तुमन लई बोल के बहुत सारा है, मगर कुछ हाल नहीं होइस। हमारे कैमरे ने रुख बदला तो एक बुजुर्ग साबर सिंह ने सामने आकर हमसे मदद मांगी। झुलसे से नजर आ रहे बुजुर्ग ने बताया कि अपने निराश्रित पेंशन के लिए चक्कर काटते काटते अब थक चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि प्रदेश के मुखिया के दरबार में उनकी सुनवाई जरूर होगी, लेकिन उनकी उम्मीदें भी सिफर रही। वे पिछले 5 महीने से अपने पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमेशा की तरह इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। समस्या का समस्या लेके आ रहा महाराज, यहाँ निराशी पैसा मिल जाए महाराज। आप मन के आगे पीछे कोई नहीं है? नहीं महाराज। तो कब से नहीं मिला था निराशी? बने रही पाँच दे रही महाराज, लेकिन 5 महीने विकास यात्रा की वो तस्वीरें थी जिन पर शायद किसी की नजर नहीं गई। जनता का साथ लेकर विकास के दाव के साथ सीएम का उड़न खटोला भी अपनी मंजिल के लिए हवा से बातें करने लगा, लेकिन अपने वादों और दाव की यह यात्रा क्या अपने मकसद को पूरा कर पाई, यह बड़ा सवाल है। INN24 के लिए विकी निर्मलकर की रिपोर्ट। करतला में संपन्न हुए विकास यात्रा में सीएम के उद्बोधन के बाद खत्म हुई सभा में लोगों की बेतहाशा भीड़ नजर आई, लेकिन सभा के खत्म होने के बाद का नजारा हैरान करने वाला था। आसपास के गांव से पहुंचे लोगों ने भाजपा के प्रचार सामग्री पर ही धावा बोल दिया। बैनर फ्लैक्स को उखाड़ घर ले जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ कि कार्यक्रम के बाद वहाँ लगाए गए एक भी बैनर पोस्टर नजर नहीं आए। लोगों से जब हमारे कैमरामैन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वह इस बैनर पोस्टर को घरेलू इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहे हैं। इन सबके बीच सभा स्थल में फैली गंदगी भी सरकार के स्वच्छता मिशन पर पलीता लगाती हुई नजर आई। पूरा मैदान डिस्पोजल और प्लास्टिक के खाली पाउच से भरा पड़ा था। इतने बड़े आयोजन के बाद भी डस्टबिन ना लगाया जाना प्रशासन की लापरवाही को ही उजागर करता है। क्या करो घर जाके बिछाने उछाने का काम देगा? अच्छा, कहाँ बिछा था? कहाँ बिछा था? टेबल में का करी है? कहाँ लेगा? का करते का करी है? कहाँ लेगा? कलेक्टोरेट परिसर में इन दिनों एक अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल परिसर में मौजूद चॉइस सेंटर में आधार कार्ड के लिए लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो एक और समस्या सामने आ रही है वह आधार कार्ड बनवाने और नाम बदले जाने जैसे सेवाओं के एवज में तय राशि से ज्यादा वसूली है। हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह चॉइस सेंटर में आधार के लिए अपना नाम बदलवाने पहुंचे हैं, जिसके एवज में उनसे 100 रुपए लिए गए हैं।
पता है आपकी उसका 30 रुपये लगता है इसको? नहीं मेरे को नहीं पता है, मैंने सिर्फ निकलवाना है। उसको 100 रुपये दिए आप? अच्छा, कहाँ आए थे आप? कलेक्टर ऑफिस। क्या काम से? मेरा नाम सुधरवाना था, दरअसल मेरा आधार कार्ड में गलत था। तो सुधर गया? हाँ, काम तो हुआ है, हफ्ते भर का टाइम मांगे। कितना रुपये लगा आपका? मेरा तो 100 रुपये लिए, एक कार्ड का, दो कार्ड बनवाया, 200 रुपये दिया। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आपके शहर कोरबा में धूम मचा रहा है डिज्नीलैंड। गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद उठावें। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आपके मनोरंजन के लिए मेले में है टावर झूला, कोलंबस झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन ट्रेन और कोरबा में पहली बार वाटर बोट, जिसमें बच्चे खुद चलाकर भरपूर आनंद उठाएंगे। इसके साथ ही नवीनतम डिजाइनों के ज्वेलरी, कपड़े, जूता चप्पल, ज्वेलरी और क्रॉकरी, किचन आइटम और भेल पाव भाजी, गुपचुप, चाट का भरपूर आनंद उठाएं। हमारा पता, बुधवारी चौक, सर्कस मैदान, कोरबा। विकास यात्रा 2018। कोरबा जिले में पधारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, मंडल दर्री। पार्वती गिफ्ट गैलरी। हमारे यहाँ आप पाएंगे टॉयस, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फोटो फ्रेम, एंटीक स्टैच्यू, गॉड स्टैच्यू, टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयज की विशाल रेंज, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक, पेन स्टैंड और स्टेशनरी, रिटर्न गिफ्ट आइटम के अनोखे कलेक्शन और साथ पाएं बच्चों के लिए स्टडी टेबल, वॉकर और राइटर, घर के सजावट का पूरा सामान जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर और क्रिस्टल आइटम, साथ ही मंगल पाठ सामग्री, मंगल पाठ चुनरी और सेलो के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज उपलब्ध है। शहर का पहला रिटेल आउटलेट जहां आप पाएंगे सभी सामान होलसेल रेट पर। हमारा पता, पार्वती गिफ्ट गैलरी, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा, और पार्वती शॉपिंग मॉल, साडा कॉलोनी, होटल ऋतुराज के सामने, जमनी पाली। मोबाइल नंबर 9827933658 और 8602452571। द मोबाइल शॉपिंग। कोरबा शहर में मोबाइलों का विशाल शोरूम। एमआई, वीवो, ओपो, सैमसंग, नोकिया जैसे ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइलों का विशाल संग्रह एवं मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट में उपलब्ध। आधुनिक मशीनों से 2 दिनों का काम मिनटों में। साथ ही सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस डिवाइस, वीडियो डोर फोन्स, बजाज फाइनेंस के द्वारा तत्काल फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता, एक्सिस बैंक के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, और सुनारिया चौक, कामयानी कॉम्प्लेक्स, कोरबा। मोबाइल नंबर 9907999079 और 7000171023। फिटनेस, जो हर किसी के लिए जरूरी। आत्मरक्षा, जो हर महिला के लिए जरूरी। स्पोर्ट्स, जो हर बच्चे के लिए जरूरी। अब यहाँ सारी जरूरतें होंगी शहर में ही पूरी। फिटनेस और स्पोर्ट्स से जुड़े हर पहलू पर INN 24 की खास पेशकश, फिटनेस शो पर, जहां आप देख पाएंगे बॉडी फिटनेस के हर टिप्स, बॉडी बिल्डिंग, योगा, एरोबिक, किकबॉक्सिंग, कुंफू, जूडो, ताइक्वांडो, स्विमिंग, मेडिटेशन और सबसे खास महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के बेजोड़ तरीके, जो रखे आपको हर पल महफूज। देखिए हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ INN 24 चैनल पर फिटनेस शो। वेलकम टू सिटी डेंटल हॉस्पिटल कोरबा। वी ऑफर अ होल रेंज ऑफ डेंटल कॉस्मेटिक एंड स्पेशलिटी डेंटल सर्विसेज फॉर योर फैमिली ओरल हेल्थ।
needs. Our enhanced dental team is committed for providing highest quality of oral health care in a friendly environment. Our focus is on our patient and making their experience a pleasant one. Our services includes laser dentistry, implantology, cosmetic dentistry, teeth whitening, gum disease treatment, kids dentistry, teeth straightening, crown, bridges and dentures, wisdom tooth removal, root canal treatment, full mouth rehabilitation and full mouth x-ray. Affiliated to central government and state government employees, smart card facility is also available. Contact us near Kumar Petrol Pump, Main Road, Niharika, Korba. We look forward to seeing your smile because your smile is our passion. 61 सालों के विश्वास का प्रतीक अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स कोरबा शहर का एकमात्र भव्य शोरूम मध्य भारत का नंबर वन ब्रांड गोल्ड एवं मेकिंग चार्ज सबसे कम दर पर उपलब्ध है हॉलमार्क ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है डायमंड ज्वेलरी IGI और GIA प्रमाणिकता के साथ कम रेट पर उपलब्ध एंटीक ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला पुराने ज्वेलरी को कैरेटोमीटर से परखने की सुविधा गोल्ड क्लब स्कीम के तहत 51% के मेकिंग चार्ज में छूट का लाभ उठाइए वैलेट पार्किंग की सुविधा अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स पावर हाउस रोड कोरबा हमारा टोल फ्री नंबर है 1800270447 विकास यात्रा 2018 कोरबा जिले में पधारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन विनीत भारतीय जनता पार्टी मंडल दर्री मॉडर्न मोबाइल जोन और एम मोबाइल डिस्प्ले एंड टच पॉइंट हमारे दोनों संस्थानों में सभी मोबाइल कंपनियों के टच एवं टच ग्लास डिस्प्ले उपलब्ध हैं साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है ग्राहकों के लिए विशेष सेवाएं किसी भी मोबाइल के टच ग्लास टूटे होने पर आधुनिक मशीन के द्वारा मिनटों में बदला जा सकता है कोरबा में पहली बार मशीन के द्वारा मोबाइल ग्लास रिपेयरिंग की सुविधा और सभी मोबाइल के डिस्प्ले टच फोल्डर एवं पार्ट्स के थोक एवं चिल्हर के विक्रेता हमारा पता मॉडर्न मोबाइल जोन बेगराज आटा के सामने पावर हाउस रोड कोरबा और एम मोबाइल डिस्प्ले एंड टच पॉइंट पुराना बस स्टैंड गीतांजलि भवन कोरबा मोबाइल नंबर 9770180888 और 9691678623 और 9575510786 खाद्यान्न के मुक्त वितरण के बाद अब सरकार हाईटेक हो चुकी है अब प्रदेश सरकार बीपीएल परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन भी उनके हाथों में थमाने जा रही है सूचना क्रांति योजना के तहत अब प्रदेश के उन सभी बीपीएल परिवार जिनका सर्वेक्षण 2007 और 8 के मुताबिक हुआ है उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा इसी कड़ी में निगम के जोन में हितग्राहियों के नाम चस्पा किए गए थे लेकिन दूसरी तरफ इस योजना को लेकर आम लोगों में संशय भी बरकरार है वहीं भाजपा के एक स्थानीय नेता ने जहां इस योजना को लेकर हमसे बात की वहीं कुछ गरीब परिवार के लोग जो योजना का फायदा उठाने पहुंचे थे उनके अनुभव भी हमने जानने चाहे पानी टंकी आया है इनका मोबाइल भी लेकर गए से आया है फार्म भर वो का के फिर आज फार्म में नहीं आए कहा के सब बता थे का कौन बताए से प्रशासन तक कहीं नहीं आए कहा थे आज तो आप मन का नाम हवा है हवा है तो फार्म बोला फार्म बोला था का पता चला थे नहीं आए फार्म कहा थे हमारो दादी महाराज क्या आदमी यार उधर से जाओ यार फार्म भरा थे कह के बोली हां का का लगा तो मन आधार कार्ड परिचय पत्र पासबुक
की पता चले है आपका जगह उन्हीं जाना था का कलर नहीं मिले नहीं मिले है वो तो फारम आठ है कहा यहाँ कोरबा जोन है यहाँ 10 वार्ड का लगभग गरीबी रेखा की सूची 2007-08 का लगा हुआ है जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचार क्रांति योजना जो प्रारंभ हुआ है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को हमारे सरकार के द्वारा मोबाइल वितरण किया जाना है जिसमें यहाँ निगम में व्यवस्थित करने के लिए सबका सूची दीवार में लगाया गया है जिसको हमारी जनता देख रहे हैं साथ में हम लोग उनका सहयोग करने के लिए यहाँ इसमें 2007-08 का जो है सर्वे को मान्य दिया गया है यहाँ है वार्ड क्रमांक 1, 3, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 8 ये मतलब 10 वार्ड है लगभग। लगातार बलौदाबाजार जिले से एक्सीडेंट की खबरें आती रहती हैं, जिससे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ताजा मामला भटगांव चौकी अंतर्गत झूमरपाली का है, जहां दो मोटरसाइकिल आपस में आमने सामने टकरा गए। दोनों मोटरसाइकिल में दो दो लोग सवार थे, जिसको सरसीवा से बिजली विभाग के ठेकेदारी में काम चल रहे पिकअप वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाईगढ़ लाया गया, जहां एक व्यक्ति गगोरी टांडा शीर्ष कुमार रत्नाकर की अस्पताल लाते वक्त मृत्यु हो गई, तो वहीं तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसकी शादी को हुए एक माह भी नहीं हुआ है। ये केस था जिसमें दो बाइक आने सामने जो डिवेल्प हो गई, जिससे तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार का उच्च संस्थान को भेजा गया है। एक व्यक्ति की और डेथ हो गई थी, उसको उचित व्यवस्था मस्तूरी में शिफ्ट किया गया। हाँ, ये दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने टकराए हैं, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल में दो सवार थे, चारों घायल थे, घायल अवस्था में ना रहते थे, जिसमें एक फौत हो गया जी, तीन जगह घायल उसको रिफर किया गया है, जिसकी योजना जारी। कहाँ पे हुआ सर? ये मडगांव के पास, ये दो जो है विकास यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का दौरा कार्यक्रम आज कोरिया जिले के विकास खंड खड़गवा और चिरमिरी में हुआ। सीएम रमन सिंह हेलीकॉप्टर से खड़गवा के हाई स्कूल मैदान में पहुंचे, उसके बाद रथ में बैठकर सम्मान समारोह में पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दोपहर 3 बजे कोरिया जिले के विकास खंड खड़गवा स्थित हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक विकास खंड मुख्यालय खड़गवा में आयोजित स्वागत सभा में शामिल हुए। इसके बाद 3:30 बजे खड़गवा से रथ द्वारा प्रस्थान कर 3:45 में ग्राम अखरा टांड पहुंचे और वहां 4:00 बजे तक स्वागत सभा में शामिल हुए। 5:00 बजे चिरमिरी पहुंचे और वहां 6:00 बजे तक रोड शो के द्वारा रथ में बैठकर चिरमिरी के गोदरी पारा के लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचे। चिरमिरी के सड़कों पर रमन सिंह को देखने और उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में जनता पहुंचकर इंतजार कर रही थी। सीएम के पहुंचने के बाद युवा मोर्चा के द्वारा भव्य बाइक रैली एवं जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। राजनीति के पाठ पढ़ाने के लिए जनता के बीच जाने की जरूरत होती है, परिश्रम करना पड़ता है और आंधी और तूफान को झेलने की जरूरत पड़ती है। एसी में रहकर राजनीति करने वाले लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ा ऐलान चिरमिरी के लोगों के लिए तहसील बनने की बात कहा गया। मैंने जो तारीख घोषित कर दी
1 जुलाई नोटिफिकेशन हो जाएगा। मैंने यहीं से राजस्व सचिव को निर्देश किया, कलेक्टर को आदेश कर दिया, मैं कहा कोताही वोताही करके बोर्ड लगा के रखो। लेकिन सर और स्टेडियम यहाँ का बनेगा, इसके साथ ही साथ स्टेडियम के निर्माण के लिए भी यहाँ पे घोषणा हुई है, और जितने भी विकास के काम आज जो हमने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ लोगों को जीत का मंत्र देने आए हैं, उनको रैली निकालना है तो आगे चिरमिरी के लोगों से सीखे कि क्या अद्भुत शक्ति है यहाँ के लोगों में। वहाँ 300-400 लोगों की सड़क में बंद गाड़ी में रैली निकालने वाले लोग राजनीति के पाठ पढ़ाने के लिए जनता के बीच जाने की जरूरत होती है, परिश्रम करना पड़ता है। चलती ट्रेन पर चढ़कर ट्रैक पार करना उस वक्त एक शख्स को महंगा पड़ गया जब वह नीचे गिर गया और उसके पैर के पंजों का एक हिस्सा पहिए के नीचे आ गया। हादसे में उसकी उंगलियां कट गई हैं। रेलवे स्टेशन के किनारे रहने वाले घायल लखन यह बता रहा है कि वह पटरियों को पार करने के लिए मालगाड़ी पर चढ़ा था, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि उसने यह कदम कोयले की चोरी के लिए उठाया हो। बहरहाल हादसे के बाद उसे किसी तरह जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी हुई है। अरे चढ़ा था अगर गिर गया ट्रेन में। तो कौन से ट्रेन में चढ़ा था? मालगाड़ी में। मालगाड़ी में कैसे चढ़ा था? स्टैंड चढ़ के उतरा कहा था जाने पाल वो पाल। अच्छा अच्छा, और पार करे पर तो ये चोट कहाँ कहाँ है? ये उंगली है नहीं, एक कैसे चक्का हम दब गए का चालू हो गया कभी ट्रेन क्या बजे आते हैं? सुबह 8 बजे के। तो उस समय अकेला रहे कि और कहूँ रहे? अकेला रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN 24.